नमस्कार दोस्तों, समाचार टुडे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ऐलान की पूरी टीम मौजूद है और गाज़ियाबाद के अंदर एक शूटिंग चल रही है जिसका नाम ऐलान है, उसकी पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ आज मौजूद है, जानते हैं उनसे। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्य बालियान। क्या है ये, आज गाज़ियाबाद में आप आए हैं और इसकी शूटिंग कर रहे हैं, क्या है पूरा? मेरा फर्स्ट सॉन्ग कर रहे हैं हम ऐलान जी। हाँ जी, क्या आपका रोल क्या है इसमें? किस मॉडल मॉडल है आप, क्या रोल निभा रहे हैं भाई साहब इसमें? जी मैं DOP हूँ। अच्छा, कैमरामैन सिनेमेटोग्राफर जी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, गाज़ियाबाद में शूट हो रहा है तो ऐलान सॉन्ग का शूट हो रहा है, पूरी टीम अच्छी मेहनत कर रही है, एक अच्छा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी सीख मिलेगी गाने से जी। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी आपने अपनी आवाज़ दी है इस गाने के अंदर, किस तरह की वॉइस है और कैसी वो आ रही है? जी जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया है, आवाज़ तो अब इनको इतना टाइम हो गया है, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं क्योंकि पहला सॉन्ग है, अब इन्होंने बताया तो अच्छी है। अब बाकी आगे अपनी तरफ से और भी मेहनत करेंगे जी। जितना हो सकेगा उतनी मेहनत करेंगे, अब इसमें जितनी हो रही है उतनी कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशी कश्यप जी भी मौजूद हैं, काफ़ी गोस्वामी काफ़ी फेमस हैं और बहुत सारे आपने यूट्यूब के अंदर इनके जो हरियाणवी और बहुत सारे देहाती टाइप में जो गाने होते हैं वो बहुत फेमस हैं, और आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो समाचार टुडे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ जी बताइए मैम, आप आज यहाँ पे आई हैं ऐलान की शूटिंग करने आई हैं, किस तरह की शूटिंग की और क्या आप इसमें किरदार निभा रहे हैं? ये एक बदमाशी सॉन्ग है, ये सॉन्ग का नाम ऐलान है जिसमें मेरे मेन लीड कास्ट हैं लक्ष्य, मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ उनके साथ, और हमारी रीढ़ की हड्डी हैं ये सर बहुत अच्छे सिंगर हैं, और हमारी डायरेक्शन कर रहे हैं ये सर जो कि हमारे बदसूरत चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और अगेन मैं एक चीज़ से, ये हमारे राइटर सर हैं और प्लस डायरेक्टर भी हैं, तो सबसे पहले तो हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, तो आई होप कि आपको हमारा काम अच्छा लगने वाला है। मैम क्या संदेश देना चाहती हैं जो समाचार टुडे के दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहती हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए? अपनी टीम के लिए, अपने लिए तो नहीं, अपनी टीम के लिए सभी को मैं ये बोलूँगी, जैसे ये वाला सॉन्ग आता है ऐलान, ये नहीं कोई भी सॉन्ग आता है हरियाणवी, तो सबसे पहले तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको सॉन्ग हमारे कैसे लग रहे हैं, और इन केस अगर कुछ भी कमी नज़र आती है तो वो भी हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसी रिपीट ना करें। मैम गाज़ियाबाद में हैं आप मौजूद, कैसी हवा है, कैसा वातावरण है, क्या कहना चाहती हैं गाज़ियाबाद के? बहुत अच्छा है, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे यहाँ पे आकर। अभी फ़िलहाल फेमस यूट्यूब पे आपका कौन सा ऐसा गाना है जो ज़्यादा फेमस है उसके बारे में? बहू काले की बहुत फेमस है और सभी ने सुना भी होगा। सेकंड है जेड वर्सेस बहू जिसमें रोहतक की मशीन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, आई होप कि आप सब ने देखा होगा। एंड अभी ऐलान की शूटिंग चल रही है तो आई होप कि ये भी सुपर डुपर हिट जाए। चलिए आप बताइए, स्टोरी लिखना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ से स्टोरी बनती है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जी, हम टीम वर्क होता हमारा जी। जैसे आज मैं हूँ डायरेक्शन पे, भाई साहब है DOP, ये भी डायरेक्टर हैं, हम पूरी टीम ने हमें सोच समझ के भाई हमें ये करना है पूरा कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस जो हाथ की मुट्ठी बन जाए वो होती है स्टोरी, जो समझ में आ जाए कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, उसका एंड क्या होगा, बस ये कहना चाहूँगा इसके बारे में। सपना चौधरी बहुत फेमस हैं, आप जानते भी हैं, हरियाणवी हैं, ज़्यादातर हरियाणा में रहती हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप भी उस मुकाम पर जाना चाहते हैं जो सपना चौधरी ने हासिल किया? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगभग 13 साल की उम्र में वो इस लाइन में आई थी, उन्होंने अपना डांस किया, डांस से फेमस हुई है वो, और भगवान की दया से आज वो ऊपर है बढ़िया तरीके से। वो तो बहुत बड़ी डांस क्वीन है, आई होप हम सभी बनना चाहते हैं उनके जैसा, तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा कि जो उनके जैसा ना बनना चाहता, वो सबकी आइडल हैं, तो हम सभी बनना चाहते हैं, वो कॉमन है ये तो। ठीक है, तो ये थी हिमांशी जी, देखा आपने सारी इन्होंने डिटेल में बातें बताई, ऐलान बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है और अभी फ़िलहाल शूटिंग चल रही है, कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील गाज़ियाबाद।